वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना काल में आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में रसोई गैस यानी LPG की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी और अब गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG और पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली PNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली समेत पूरे NCR में CNG की कीमत 90 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ है। PNG की कीमत में 1.25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह नई दर गुरुवार यानी 8 जुलाई की सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। दिल्ली में अब CNG की कीमत 44.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पहले 43.40 रुपये थी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 49.98 प्रति किलोग्राम की दर से CNG मिलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार अब PNG की नई कीमत 29.66 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। NCR में 29.61 रुपये स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कर दी गई है। इससे पहले मार्च में CNG की कीमत में 90 पैसे और PNG की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में फिर से इजाफा किया था। इस बार रसोई गैस की कीमत 25.50 रुपये बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब LPG गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 834.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। अभी तक 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 809 रुपये में बिक रहा था। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार यानी 8 जुलाई को देश के नए पेट्रोलियम मंत्री का स्वागत किया। पेट्रोल के दाम में फिर 35 पैसे की तगड़ी बढ़ोतरी हुई। साथ ही डीजल भी हर लीटर पर 9 पैसे महंगा किया गया। दरअसल दोनों ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कल ही 7 साल से पेट्रोलियम मंत्रालय पर निष्कर्ष राज करने वाले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके स्थान पर हरदीप सिंह पुरी को लाया गया है। दिल्ली के बाजार में गुरुवार यानी 8 जुलाई को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100.56 रुपये प्रति लीटर पर चला गया। यहाँ डीजल भी 89.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो ये था CNG की बढ़ती कीमतों पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।